नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर महीने की पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी की गई मंथली पॉलिसी रिव्यू का एनालिसिस। सो इस इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल के महीने में, और तब से हमने इस इनिशिएटिव पे अच्छा रिस्पॉन्स पाया है, जिसके चलते हम इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि पिछले महीने में जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, या फिर जो भी सबसे ज़्यादा कुछ ऐसी करंट अफेयर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, रेलेवेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। सो अभी चल रहा है नवंबर का महीना, इसमें हम कवर कर रहे हैं अक्टूबर 2019 महीने की पीआरएस मंथली पॉलिसी रिव्यू को। इसको हम रेफर करते हैं एज एमपीआर, और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च वो संस्थान है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मंथली पॉलिसी रिव्यू के डॉक्यूमेंट को रिलीज करती है, राइट। मेरा नाम है अनिरुद्ध, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने के पहले जान लेते हैं कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ये आखिरकार करती क्या है और इसकी क्या खासियत है। ये एक इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक एनपीओ है, ठीक है। इसको एक थिंक टैंक भी कहा जा सकता है, और ये थिंक टैंक काम क्या करता है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट टू मेक द इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस बेटर इन्फॉर्म्ड, मोर ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटरी। सो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ज़्यादा इन्फॉर्म्ड, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी बनाने के लिए जुटा हुआ है। इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली इन इंडिया, यानी कि इनका जो हेडक्वार्टर है, इनका जो हेड ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली इंडिया में है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे जाके आप इनको देख सकते हैं, इनके द्वारा की गई इनिशिएटिव्स, इनके द्वारा पब्लिश किए गए डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, वो है www.prsindia.org, और आप इनको ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं @PRS Legislative। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो कि इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च आखिरकार करती क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बेटर इन्फॉर्म्ड करने के लिए। सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ ये करती है हमारे bills/acts के लिए। सबसे पहले तो ये हमें बताती है, कोई भी बिल जब नया इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिल जाती है, उसके प्रोविजन्स के बारे में जानकारी मिल जाती है आपको, ठीक है। उसके बाद साथ ही में उसमें जो पॉजिटिव्स हैं, उसमें जो नेगेटिव्स हैं, उसके बारे में जानकारी भी मिल जाती है। कहने का मतलब, अगर आपको किसी बिल का क्रिटिकली डिस्कशन करना है, सो वो एनालिसिस आपको यहाँ से मिल जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ। और साथ ही में ये आपको एक वे फॉरवर्ड भी बताते हैं कि किस तरीके से इस बिल में जो कमियाँ हैं उनको हम प्लग इन कर सकते हैं। ये तो है पहला काम। साथ ही में ये आपको बिल की स्टेजेस के बारे में भी जानकारी देते हैं कि बिल जो है वो अभी कहाँ पर है। मान लीजिए बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद क्या बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा चला गया है। मान लीजिए राज्यसभा में पास हो गया है, क्या उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया है। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया, सो क्या उसको वापस भेज दिया गया है, एंड सो ऑन। स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राफ्टिंग स्टेज अप टू द पासिंग ऑफ द बिल, यानी कि असेंट मिलने की स्टेज तक, पूरा का पूरा टाइमलाइन, पूरा का पूरा रियल टाइम आपको अपडेशन मिल जाती है पीआरएस इंडिया की वेबसाइट से। ये है इनकी दूसरी खासियत रिगार्डिंग बिल्स एंड एक्ट्स, ठीक है। ये तो है रिगार्डिंग बिल्स एंड एक्ट्स। दूसरा इस वेबसाइट की बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है, आप अपने इलाके के MP या MLA के बारे में यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके इलाके का MP MLA कौन है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, यहाँ तक कि MP लाड स्कीम, MLA लाड स्कीम में उन्होंने क्या काम किए हैं, फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनका एक अलग से पोर्टल है MP ट्रैक करके, जो कि बहुत ही लाभदायक है, और ये बेसिकली इन अ वे आपको प्रमोट भी करता है, नई यूथ को प्रमोट करता है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। तीसरा एक और खास बात है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की, और वो ये है कि ये साथ ही में आपको जानकारी देते हैं रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्स प्रोडक्टिविटी,
और जब मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्टिविटी, कहने का मतलब कि पिछले सेशन में पार्लियामेंट ने कितना काम किया। मान लीजिए हम कंपैरिजन करना चाहते हैं बजट सेशन का मॉनसून सेशन के साथ, मॉनसून सेशन का विंटर सेशन के साथ, सो वो कंपैरिजन भी ये करती है वेबसाइट। साथ ही मैं आपको ये बताती है कि 2019 का कंपैरिजन 2018 के साथ, इस सरकार का कंपैरिजन पिछली सरकार के साथ, सो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही अहम है ये आपके GS2 मेंस की परीक्षा के लिए। और फाइनली आप यहाँ से उन सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है इसी वेबसाइट से। कहने का मतलब ये हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को आउट इन दी ओपन ला के रख देती है ताकि आप सभी लोग इसको देख सकें, ठीक है। सो ना केवल ये इसको ट्रांसपेरेंट बनाती है बल्कि पार्टिसिपेटरी भी बनाती है, बिकॉज ये जनता के व्यूज़ को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देती है हाईलाइट करने के लिए। और आप यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इनके साथ, ट्विटर पे और फेसबुक पे अपने व्यूज़ को आप वहाँ पे जाके भी दिखा सकते हैं। हैंस ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव संस्थान है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। सो हमने ये इनिशिएटिव क्यों स्टार्ट किया वो देखते हैं। देखिए होता क्या है कि वैसे तो स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी वीडियोज़ आती हैं अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें। सो ऑलमोस्ट ऐसा कोई भी करंट अफेयर नहीं है जो स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर मिस हो जाता है। ऑलमोस्ट हर तरह का करंट अफेयर, पर्टिकुलरली नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का कवर होता है, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। लेकिन हम इस इनिशिएटिव के द्वारा क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमारा मकसद है रिवीजन का, ठीक है, रिवीजन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि पिछले महीने में हुई। और दूसरा जो हमारा मेन मकसद है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से, ये इनिशिएटिव असल में ज़्यादातर अलाइंड है मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए कम है। वो कैसे, मेंस में बहुत से बच्चों को तकलीफ होती है आंसर राइटिंग की, सो ये इनिशिएटिव जो है वो असल में आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करवाने के लिए निकाला जाता है। बिकॉज यहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर करंट अफेयर्स को पढ़ा लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि उस करंट अफेयर को हमें मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कैसे करना है, वो एक्सरसाइज हम यहाँ पे करते हैं। ऑल्दो हम इसको प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा सा अलाइन करते हैं वीडियो को, इस पूरे कंटेंट को, बट हमारा जो मेन मोटिव यहाँ पे रहता है वो रहता है कि इस पूरे के पूरे कंटेंट को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन करवाया जाए, आपको वहाँ पर सहायता मिल जाए कि आंसर राइटिंग में हमें करंट अफेयर्स को यूज़ कैसे करना है अप्रोप्रिएटली, तभी जाके हमारा कॉस्ट बेनिफिट जो है वो पूरा होता है एनालिसिस। आपने मान लीजिए अखबार पढ़ने में 2 घंटे लगाए बट आपको ये लगता होगा कि इस अखबार को मैं यूटिलाइज़ कैसे करूं? उस यूटिलाइजेशन की हम यहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के साथ। सो एक तो ये ब्रीफ मंथली राउंडअप है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, और ये पॉलिसी मैटर और मेजर पॉलिसी डिसीजंस को कवर करता है नेशनल इंपॉर्टेंस के। CSE प्रीलिम्स के लिए भी ये काम का है और मेंस में पर्टिकुलरली GS2 और GS3 में बहुत ज़्यादा जो है काम का माना जाता है ये PRS MPR का डॉक्यूमेंट। अब स्टार्ट करते हैं विद द पॉलिसी मैटर्स। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंस से जुड़े हुए पॉलिसी मैटर्स के। देखिए यहाँ पर जो बाइफर्केशन हम करते हैं, जो भी हम यहाँ पे तोड़ते हैं वीडियो को, वो बेसिकली तोड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मिनिस्ट्री। सो वित्त मंत्रालय ने जो भी काम किए उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो बाकी मिनिस्ट्रीज ने काम किए हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। फाइनेंस से जुड़े हुए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी मैटर्स पिछले महीने में देखने को मिले, फर्स्ट इज GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमिटी टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू। सेकेंड इज इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। थर्ड, सेबी रिलीजेज साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। और लास्टली RBI परमिट्स लेंडिंग बाय बैंक्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आइए वन बाय वन करके सबको कवर करते हैं। GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमिटी टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। बिफोर वी सी कि इसमें क्या है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारा काम जैसा कि आपको मैंने बताया ज़्यादातर मेंस अलाइंड है, सो यहाँ पर ज़्यादा जो है डिस्कशन होगी, फैक्ट्स की चर्चा कम होगी, वो काम आपको खुद से करना होगा। यहाँ पर GST काउंसिल के बारे में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो भी इसमें शेयर होल्डिंग है, जो भी है वो आपको देखना होगा, वो आपका काम है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि GST काउंसिल की जो कमेटी बनी है उसके क्या क्या सजेशंस हैं। द GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी ऑफ ऑफिसर्स टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग GST रेवेन्यू। द काउंसिल हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग एरियाज फॉर कंसिडरेशन। सबसे पहले उन्होंने बोला सिस्टेमिक चेंजेस इंक्लूडिंग चेक्स एंड बैलेंसेज आर रिक्वायर्ड।
दूसरा पॉलिसी मेजर्स एंड रेलिवेंट चेंजेस नीडेड इन द लॉज, यानी कि लॉ सिंप्लीफिकेशन या फिर लॉ रिफॉर्म्स कह सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस की बात की है जो कि बहुत ही कम है, इसका डेटा आप इकोनॉमिक सर्वे से प्राप्त कर सकते हैं कि हर साल जो हमारा टैक्स बेस है वो कितना है, कितना बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर्स। इम्प्रूवमेंट इन वॉलंटरी कंप्लायंस, बिकॉज इंडिया में जो है टैक्स इवेजन बहुत कॉमन है, सो वॉलंटरी कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। इम्प्रूवमेंट इन कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड एंटी इवेजन मेजर्स यूजिंग बेटर डेटा एनालिटिक्स, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी का भी रोल लाना होगा तब जाके आप रेवेन्यू को इम्प्रूव कर पाएंगे। और फाइनली वी हैव बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन। सो ना केवल टेक्निकल स्टेप्स की ज़रूरत है, ना केवल लेजिस्लेटिव चेंजेस की ज़रूरत है, बल्कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है अगर हमें टैक्स का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करना है। सो इस चीज़ को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास मेंस में सवाल आता है GS2 में या GS3 में, और वो आपसे ये पूछता है कि किस तरीके से हमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, टैक्स बेस बढ़ाना है, तब आपको ये सुझाव वहाँ पे देना जो है वो सही होगा। आमतौर पे बच्चे थोड़े रैंडम सुझाव देते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो अनरियलिस्टिक हैं, लेकिन अगर आप GST काउंसिल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई कमिटी के दिए गए सुझाव ही मेंशन कर रहे हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके आंसर में क्रेडिबिलिटी आएगी एज कम्पेयर टू अदर आंसर्स, राइट। चलिए सेकेंड करंट अफेयर्स को देखते हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्टिट्यूटेड। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको क्या करना है, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जुड़ा हुआ PMLA 2002 के बारे में आपको जानना है। ये GS3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। ये स्टैटिक पार्ट है, यू शुड बी नोइंग दैट। The Ministry of Finance constituted an inter-ministerial coordination committee on money laundering under the Prevention of Money Laundering Act 2002 for cooperation and coordination between relevant agencies. ठीक है, the terms of reference of the committee include the following. सबसे पहले इन्होंने बोला है operational cooperation between the government, law enforcement agencies, regulators and the Financial Intelligence Unit India under the Ministry of Finance. सबसे पहले तो आपको ऑपरेशनल कोऑपरेशन लानी है, किस तरीके से लाएंगे? आपको जान के हैरानी होगी, काफ़ी स्ट्रेंज है ये, बल्कि कि देखिए वैसे तो ये सब लोग एक साइड पे हैं, गवर्नमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स यानी कि पुलिस, देन रेगुलेटर्स, फिर FIU इंडिया। तो रेगुलेटर्स में आपके कस्टम वाले लोग आते हैं, राइट, और FIU भी आपका मिनिस्ट्री का पार्ट है, तो गवर्नमेंट का पार्ट है। इम्पॉर्टेंट ये हैरानी वाली बात यह है कि ये कभी कभार एक दूसरे के साथ ही लड़ाई में जुट जाते हैं। देर इज ऑलवेज और समवेयर टर्फ वॉर गोइंग ऑन। इसके चलते जो है मनी लॉन्ड्रिंग को हम उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज ऑपरेशनल कोऑपरेशन की कमी है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की कमी है, जिसकी वजह से हम मनी लॉन्ड्रिंग पे एक उतना बड़ा दबाव नहीं लगा पाए हैं। हेंस दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ रेफरेंस कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए। दूसरा है कंसल्टेशन अमंग दी अथॉरिटीज विद दी फाइनेंशियल सेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ओर दर्शाता है कि आपको फाइनेंशियल सेक्टर और अथॉरिटीज के बीच में कंसल्टेशन करनी भी जरूरी है, कंसल्टेटिव प्रोसेस लाना जरूरी है, बिकॉज जो टेक्नोलॉजीज, जो टेक्निक्स, जो ऑपरेशंस, जिस तरीके से वर्किंग प्राइवेट सेक्टर की होती है, अगर उसी वर्किंग को हम गवर्नमेंट सेक्टर में लेकर आ सकते हैं, सो इट कैन बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू अस। फाइनली डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग दी फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज ऑफ टेरर फाइनेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये अगर आप समझ पाते हैं तभी जाके आप टेरर फाइनेंस को थोड़ा कर्ब कर पाएंगे। सो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं इस कमेटी को। इस कमेटी की जब रिकमेंडेशंस बाहर आएंगी, दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे उस वीडियो में, राइट। अब बात करते हैं तीसरे करंट अफेयर्स की। सेबी रिलीजेस साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। देखिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, आप जानते हैं, इनफैक्ट 2019 के GS3 पेपर में इस बार फिर से सवाल पूछा गया रिगार्डिंग द साइबर डोम प्रोजेक्ट, राइट। साइबर डोम प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल पूछा गया, जो कि एक प्रोजेक्ट है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है
कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के मॉडल पे आधारित है। सो इसमें गवर्नमेंट और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्राइवेट एजेंसीज हैं उनके साथ कंसल्टेशन है, जिसके चलते साइबरडोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट किया जाए फॉर इम्प्रूविंग अवर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। सेबी ने वो चीज़ की है फॉर KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, बिकॉज जो एजेंसीज KYC रजिस्ट्रेशन करती हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पे डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, सो हमारे सिटीजन्स की राइट टू प्राइवेसी के ऊपर ये सीधा सीधा एक प्रॉब्लम है। So the Securities and Exchange Board of India released a framework on cybersecurity and cyber resilience for KYC registration agencies. KYC agencies वो होती हैं, these are entities registered with the SEBI under KYC registration agency regulations 2011 which maintain KYC records of investors. SEBI noted that these agencies should have a robust cybersecurity and resilience framework since they perform an important role of maintaining KYC records of customers in security markets. देखिए हम गवर्नमेंट कर तो रही है साइबर सिक्योरिटी को लेके, लेकिन उतना ज़्यादा अगर मैं कहूँ पर्सनली उतने ज़्यादा अच्छे पेस पर नहीं हो रहा। धीरे धीरे हम आ रहे हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है बाय द साइबर हैकिंग या फिर साइबर टेररिज्म से सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर इम्पैक्टेड है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर है, और फाइनेंशियल सेक्टर को दे विल हैव टू यू नो पिकअप देयर सॉक्स और थोड़ा सा उनको यहाँ पर अग्रेसिवली काम करना होगा, एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लाना होगा जिसके चलते हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को और मजबूत और ज़्यादा रोबस्ट बना पाएं। इन्होंने क्या क्या जो है गाइडलाइंस दी वो देख लेते हैं। की फीचर्स ऑफ द फ्रेमवर्क इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होने की आवश्यकता है। KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी शुड फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस पॉलिसी विच शुड इंक्लूड प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिस्क, प्रोटेक्ट क्रिटिकल एसेट्स, डिटेक्ट साइबर अटैक्स and respond and recover from such incidents. दूसरा है governance. KYC registration agencies should designate a senior official as chief information security officer who will assess, identify and reduce cyber security risks, identify appropriate standards and control and direct implementation of processes as per cyber security policy. So जो comprehensive policy है वो तो ये कहता है कि आपको identification से लेकर प्रोटेक्शन तक, डिटेक्शन तक और रिकवरी सब कुछ उसका पार्ट होना चाहिए। और गवर्नेंस में उन्होंने ये कहा है कि आपको एक सीनियर ऑफिसर को डेजिग्नेट करना है जो कि ये असेसमेंट करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा और आगे जाके इनको रिड्यूस भी करेगा, प्लस उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। द बोर्ड ऑफ सच KYC एजेंसीज शुड कॉन्स्टिट्यूट अ टेक्नोलॉजी कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका टाइम टू टाइम रिव्यू होता रहे, बिकॉज जिस पेस पर साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, जिस पेस पर साइबर अटैक्स करने वाले लोगों की टेक्निकल नो हाउ बढ़ रही है, क्या हमारी पॉलिसी उस पेस पर आगे बढ़ रही है? वी नीड टू कीप इन पेस विद द साइबर अटैक्स, सो ताकि हम उनको आगे जाके आइडेंटिफाई कर सके, उनको रिड्यूस कर सके, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। फिर एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस टू रजिस्ट्रेशन एजेंसी सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस शुड बी फॉर अ डिफाइंड पर्पस एंड अ डिफाइंड पीरियड। सो अभी ये भी एक प्रॉब्लम है, कौन आपकी एजेंसी के डेटा को एक्सेस कर रहा है? कोई अगर थर्ड पार्टी KYC एजेंसी के डेटा को एक्सेस कर रही है, सो वहाँ पर भी कुछ गाइडलाइंस होने की आवश्यकता है कि वो किस पर्पस के लिए कर रही हैं और कितने पीरियड के लिए कर रही हैं, ताकि डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसमें भी दो तरह के एक्सेस आते हैं, एक तो आता है सॉफ्टवेयर एक्सेस और एक आता है फिजिकल एक्सेस, जहाँ पर आप उनके सर्वर्स को जाके एक्सेस करते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सेस के लिए तो उन्होंने कहा कि इट शुड बी फॉर अ डिफाइंड पीरियड एंड अ डिफाइंड पर्पस, और फिजिकल एक्सेस के लिए उन्होंने कहा फिजिकल एक्सेस टू क्रिटिकल सिस्टम्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मिनिमम एंड बी मॉनिटर्ड थ्रू कंट्रोल सच एज CCTV कैमराज एंड कार्ड एक्सेस सिस्टम्स। और फाइनली शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेकर भी गाइडलाइंस हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन साइबर अटैक्स एंड थ्रेट्स एंड मेजर्स टेकन टू मिटिगेट वल्नरेबिलिटीज शुड बी सबमिटेड टू SEBI। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने किसके साथ की, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको SEBI को देनी है, ताकि और आपको साथ में ये भी बताना है कि आपने क्या क्या मेजर्स लिए टू मिटिगेट दी वल्नरेबिलिटीज, जो आपकी कमियाँ हैं, जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं, उनको कम करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, दिस ऑल्सो शुड बी टोल्ड टू द SEBI। सो दीज आर द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क विच इज करंटली रिलीज फॉर KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। इस चीज़ को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इन केस GS3 में आपको ये सवाल पुटअप किया जाता है, यू हैव टू टेल कि ये तो जिस तरीके से SEBI ने किया है वैसा ही बाकी डिपार्टमेंट्स को करना होगा अपनी एजेंसीज के लिए, ताकि साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एक रोबस्ट खड़ा हो सके और हम साइबर टेररिज्म को अच्छे से टैकल कर सकें। क्लियर है? इसके साथ जुड़ा हुआ एक MCQ देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SEBI।
SEBI was established under the presidential order, that is, it is a statutory body. Second is, it is entrusted with the responsibility to regulate the Indian capital market. Choose the correct option, only one, only two, both one and two, both are incorrect. Answer ko please hame bataiye comment section mein. Right? We have covered total 5 MCQs, this is the first of the 5 MCQs. Aage badhte hain, baat karte hain about the infrastructure investment trusts. RBI permits lending by banks to infrastructure investment trusts. So, abhi kya tha? Ki abhi jo hai, banks keval invites mein invest kar sakte the. Ye jo hai, INVITS, ye ek tarah ke investment trusts hain, jo particularly infrastructure development ke liye 2015 mein launch kiye the. Inke baare mein aapko jankari lene ke liye khud se thodi mehnat karni hogi, PT ke liye important hai. लेकिन खास बात यह है कि आरबीआई अभी तक बैंक्स को इनवाइट्स में केवल इन्वेस्ट करने की ऑप्शन देती थी, लेकिन अब लेंडिंग की ऑप्शन भी दे दी गई है कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है बैंक्स को कि वो इनवाइट्स को लेंड भी कर सकते हैं. द आरबीआई हैज परमिटेड बैंक्स टू लेंड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इनवाइट्स आर कलेक्टिव इंश्योरेंस स्कीम्स थ्रू विच इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज कैन इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. सो ये बेसिकली इसके पीछे दो कारण थे, इस स्कीम को शुरू करने के पीछे दो कारण थे कि एक तो हम चाहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़े, दूसरा हम ये भी चाहते थे कि उस टाइम पर गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है और बाकी जगह पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कम होकर, गोल्ड और रियल एस्टेट से कम होकर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर की तरफ जाए ताकि हम पब्लिक बोरोइंग के थ्रू जो है ग्रोथ कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर की. सो अब जो है आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि बैंक्स उनको लेंडिंग भी कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से ग्रो कर सकें. इस न्यूज़ को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अबव स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्वेश्चंस. अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आप बता सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को पुश देने की ज़रूरत है और लेंडिंग नॉर्म्स को रिलैक्स करने की ज़रूरत है ताकि इन्वाइट्स जो हैं वो तेज़ी से ग्रो कर सकें. राइट, इसके साथ हमारा फाइनेंस से जुड़े हुए पॉलिसी मैटर्स खत्म होते हैं. अब बात करते हैं कॉरपोरेट अफेयर्स से जुड़े हुए पॉलिसी मैटर्स का. इसको लेकर एक, अगर आप दो महीने पुरानी चीज़ देखें, अगस्त में आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमिटी बैठी थी अंडर इन जेती श्रीनिवास, जहां पर हमने इस चीज़ की बात की थी कि CSR स्पेंडिंग को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, CSR रूल्स को किस तरीके से रिव्यू किया जा सकता है. फाइनली एक दोबारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है उसी के चलते, स्कोप ऑफ CSR स्पेंडिंग इंक्रीज्ड. वो न्यूज़ क्या है देख लेते हैं. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सर्टन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स इन द लास्ट 3 ईयर्स ऑन प्रोजेक्ट्स विच रिलेट टू एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट. ठीक है, सो आपको 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स को आपको CSR एक्टिविटीज पे लगाना है, और वो कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो शेड्यूल 7 में मेंशन की गई हैं पर्टिकुलरली. अभी क्या हुआ, इस शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है. शेड्यूल 7 में 11 एंट्रीज थी. वन ऑफ सच एंट्रीज अलाउ CSR कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स लोकेटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस. सो बेसिकली इन 11 एंट्रीज में से एक एंट्री ऐसी थी जो ये बोलती थी कि CSR कॉन्ट्रीब्यूशंस आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेट किए जा रहे हैं. इस एंट्री को थोड़ा सा अमेंड किया है, थोड़ा सा रिलैक्स किया है. द अमेंडेड एंट्री परमिट्स CSR कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फॉलोइंग: इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सो ये रिलैक्स करके बेसिकली, पहले ये था केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, अब उन्होंने बोला है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया कोई भी इंक्यूबेटर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको भी CSR माना जाएगा. अगर आप किसी भी एजेंसी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया इंक्यूबेटर है उसको भी अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तब भी उसे CSR माना जाएगा. अगर आप किसी भी IIT के अंदर जो है इंक्यूबेटर को स्पॉन्सर कर रहे हैं उसे भी CSR माना जाएगा, यहाँ तक कि नेशनल लेबोरेटरीज एंड सर्टन ऑटोनोमस बॉडीज engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine and aimed at promoting SDGs को sponsor कर रहे हैं उसे भी CSR माना जाएगा. कहने का मतलब CSR को बढ़ाने के लिए थोड़ा relax norms कर दिए हैं, right? और इस चीज़ को आप वहाँ पर भी use कर सकते हैं because technology incubators को हमने CSR norms के under लाया है. सो ये startup sector के लिए भी एक बहुत ही अच्छी news है.
वहां पर भी उनको बढ़ावा मिलेगा बिकॉज CSR कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर अब उनको ईजिली मिल जाएंगे। इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल बहुत ही सिंपल, इन जेती श्रीनिवास कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर गिविंग सजेशंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ए इज वेस्टर्न घाट्स एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन, बी इज क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स लीगैलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी इज साइबर सिक्योरिटी। आंसर को प्लीज बताइए कॉमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से जुड़े हुए पॉलिसी मैटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू रेगुलेट ऑल द मेडिकल डिवाइसेस एज ड्रग्स हैज बीन रिलीज्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। दूसरा, गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो फार्मास्यूटिकल्स रिलीज्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट द फर्स्ट वन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू रेगुलेट ऑल मेडिकल डिवाइसेज एज ड्रग्स हैज बीन रिलीज्ड। देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको इसमें मेंशन या याद करनी होंगी। सबसे पहले, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज्ड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू रेगुलेट ऑल मेडिकल डिवाइसेज एज ड्रग्स अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। सो दो चीज़ें तो यहीं पर आ गई। सबसे पहले, कौन सा मंत्रालय जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी रेगुलेशन के लिए, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज। दूसरा, ये किस एक्ट के तहत रेगुलेट की जाती हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 के तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। करंटली देर आर 36 नोटिफाइड मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया इंक्लूडिंग हार्ट वेल्व्स, बोन सीमेंट्स एंड स्कैल्प वेन सेट्स। लेकिन जो नई नोटिफिकेशन आ रही है, द न्यू नोटिफिकेशन सीक्स टू इंक्लूड ऑल डिवाइसेज इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्लांट्स एंड अप्लायंसेस। और मान लीजिए इन चीज़ों को हम रेगुलेट कर देंगे, इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो पुअर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को होगा, बिकॉज वंस दे आर रेगुलेटेड द कॉस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस विल कम डाउन। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम हो जाएगा, राइट और हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है इंडिया में वो भी कम हो जाएगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर ये नोटिफिकेशन सक्सेसफुल होती है, अभी ये ड्राफ्ट है, अगर सक्सेसफुल होती है इट विल बी अ बिग स्टेप इन दिस डायरेक्शन। सो इसमें इन्होंने क्या क्या किया है, जो भी न्यूज़, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इम्प्लांट्स, अप्लायंसेस फॉलोइंग चीज़ों में असिस्ट करते हैं, हम उनको इसमें रेगुलेट करेंगे। वो इम्प्लांट्स या डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, इंजरी और डिसेबिलिटी में, इन्वेस्टिगेशन, रिप्लेसमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ द एनाटॉमी में, सपोर्टिंग लाइफ, डिसइंफेक्शन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी हो जो किसी और मेडिकल डिवाइस को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता हो, उसको भी रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंसेप्शन के कंट्रोल में यूज़ होता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स, उनको भी हम रेगुलेट करेंगे। इन दिस कंटेक्स्ट द मिनिस्ट्री रिलीज ड्राफ्ट रूल्स टू अमेंड द मेडिकल डिवाइस रूल्स ऑफ 2017 विच प्रोवाइड रूल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मेडिकल डिवाइसेज अदर दैन 36 डिवाइसेज ऑलरेडी नोटिफाइड। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब से हम गवर्नमेंट ने हार्ट वेल्व्स को रिलीज जो रेगुलेट करना स्टार्ट किया है, हार्ट के साथ जुड़ी हुई जो स्टंट्स डलते थे इसकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट, बिकॉज जो पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, जो डिसएडवांटेज है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अहम डेवलपमेंट है। अगर सरकार बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे रेगुलेट कर पाती है, सो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप माना जाएगा, पर्टिकुलरली फॉर पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर। फर्दर बात करते हैं रिगार्डिंग द गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो फार्मास्यूटिकल्स रिलीज। सो इस चीज़ को आप पुरानी इस न्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं एसे में भी कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आमतौर पर हम फोकस करते हैं हेल्थ केयर पर, लेकिन हेल्थ केयर कॉस्ट में ऑब्वियसली मेडिकल डिवाइसेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसकी वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट इंपैक्ट होती है। और जीएस टू में पर्टिकुलरली आपका हेल्थ सेक्टर इंक्लूड होता है, जहां पर आप इस स्टेप के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो फार्मास्यूटिकल्स रिलीज, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिलीज गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया। नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक्निक्स टू स्टडी मटेरियल्स विच आर इन द नैनो स्केल रेंज। अ नैनोमीटर इज वन बिलियंथ ऑफ अ मीटर, ठीक है। सो नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली उन डेवलपमेंट और टेक्निक्स के साथ जुड़ी हुई है जो मटेरियल को स्टडी करती है इन द नैनो स्केल रेंज। नैनो फार्मास्यूटिकल्स इज एन इमर्जिंग एरिया दैट कंबाइंस नैनो टेक्नोलॉजी विद बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। बहुत ही इंटर डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जो कि कंबाइन करता है नैनोटेक को बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल साइंस के साथ। इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इन डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेप्यूटिक्स, एज द टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव ड्रग डिलीवरी बाय बेटर टारगेटिंग टू डिजीज साइट एंड हायर एफिकेसी।
ठीक है। देखिए नैनो फार्मास्यूटिकल्स पे पर्टिकुलरली सवाल आ सकता है बिकॉज नैनो टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी ने 2016 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजीज। सो नैनो फार्मास्यूटिकल्स पे भी सवाल आ सकता है पर्टिकुलरली, सो वहाँ पर ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। गाइडलाइंस क्या दी गई हैं? सबसे पहले सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स विल बी एप्लीकेबल फॉर नैनो फार्मास्यूटिकल्स। दूसरा, अ केस बाय केस अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड फॉर इवेल्युएटिंग द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ नैनो फार्मास्यूटिकल्स एज इट विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज बायोलॉजिकल नेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड सो ऑन। रैशनैलिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नैनो फार्मास्यूटिकल शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। देखिए यहाँ पर जो है गाइडलाइंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइडलाइंस हम डिस्कस क्यों करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बहुत सारी आप करंट अफेयर्स और भी देखते होंगे, आप न्यूज़पेपर भी देखते होंगे, गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है? गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस जो है वो असल में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। बट हम फिर इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हम ये चाहते हैं कि आपको ओवरऑल फील आ सके रिगार्डिंग द गवर्नमेंट वर्किंग, कि गवर्नमेंट असल में क्या क्या सोच कर गाइडलाइंस को तैयार करती है, राइट? सो सबसे प्राइम चीज़ें क्या होती हैं जिनको गवर्नमेंट आधार में लेती है जब जाके ये गाइडलाइंस तैयार होती हैं? ये जो बेसिकली एस्पेक्ट्स ध्यान में लिए जाते हैं वो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जानने। और गाइडलाइंस आपको याद नहीं करनी, गाइडलाइंस केवल आपको एक आइडिया लेना है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। सो इससे क्या होता है, कभी कभार कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनका आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मालूम होता एंड यू हैव टू फॉर्मुलेट योर ओन आंसर। सो वहाँ पर ये जो जनरल नॉलेज है, ये जो इंट्यूशन है वो काम आती है। और ये इंट्यूशन अगर आपकी तैयार हो गई है देन यू आर वेरी गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। गाइडलाइंस हम और भी डिस्कस करेंगे लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू ये आपके लिए उतनी रिलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, ये केवल आपका माइंड उस तरीके से रेडी करने के लिए हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तीसरा एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इट कैन बी यूज्ड इन प्योरिफिकेशन एंड एनवायरमेंटल क्लीनअप एप्लीकेशंस लाइक डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर फिल्ट्रेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। इन इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में इंक्लूड कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, मिलिट्री गुड्स। इट ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशंस इन ग्रीन टेक्नोलॉजी लाइक बिल्डिंग चीपर सोलर सेल्स, हाइड्रोजन सेल्स एक्सेट्रा। ऑल द अबव आर करेक्ट। प्लीज़ आंसर को बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फर्दर देखते हैं एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए पॉलिसी मैटर्स में बहुत ही अहम जो है डेवलपमेंट हुई है बिकॉज फाइनली एक नया सीड्स का बिल लाया जा रहा है, अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, टू रिप्लेस द सीड्स एक्ट ऑफ 1966। ड्राफ्ट सीड्स बिल हैज़ बीन ब्रॉट इन टू रिप्लेस द सीड्स एक्ट 1966। देखिए बहुत ही पुराना एक्ट था और इसको जो है बदलना बहुत ज़रूरी था प्राइमरीली बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल सीड्स की करना अब एक कठिन टास्क हो चुका था गवर्नमेंट के लिए, और सीड्स एक्ट 1966 के अंडर क्वालिटी कंट्रोल करना उतना ज़्यादा सही तरीके से नहीं हो रहा था। एट द सेम टाइम सीड्स एक्ट को रिव्यू करना ज़रूरी था बिकॉज इससे जो पॉपुलेशन इम्पैक्ट हो रही थी वो थी हमारी फार्मर्स पॉपुलेशन, और फार्मर्स पॉपुलेशन आप जानते हैं आम तौर पे वल्नरेबल होती है, इफ़ नॉट इकोनॉमिकली वल्नरेबल कुछ बड़े फार्मर्स होते हैं, बट ये सोशली वल्नरेबल डेफिनेटली होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी। सो इसके चलते गवर्नमेंट ने एक नया सीड बिल लेकर आई है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि सीड्स बिल कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बिकॉज कभी कभी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सीड्स का जो बिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लेकर आएगी, बट ये गलत आंसर होगा। यहाँ पे सीड्स बिल लाया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, हैज़ रिलीज द ड्राफ्ट सीड्स बिल 2019। द ड्राफ्ट बिल सीक्स टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सीड्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। फीचर्स क्या क्या हैं? ऑल वराइटीज ऑफ सीड्स बींग सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सोइंग और प्लांटिंग मस्ट बी रजिस्टर्ड एक्सेप्ट द फार्मर्स वराइटीज ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड एंड इवॉल्व बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स। ऑल्सो ट्रांसजेनिक वराइटी ऑफ सीड्स कैन बी रजिस्टर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग क्लियरेंस अंडर EPA 1986। सबसे पहले तो कोई भी आपकी वराइटी जो सेल हो रही है सोइंग या प्लांटिंग के लिए उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। फार्मर्स वराइटी को रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है, फार्मर्स वराइटी वो वाली वराइटी होती है जो फार्मर अपनी फील्ड में खुद से इवॉल्व करता है, और ट्रांसजेनिक वराइटी को तो डबल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, एक अंडर द सीड्स बिल और दूसरा एक क्लियरेंस भी लेनी पड़ेगी उनको अंडर EPA 1986 यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी
कि उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा, स्टैंडर्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई मिनिमम लिमिट्स ऑफ जर्मिनेशन, जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी एंड सीड हेल्थ फॉर एनी सीड वैरायटी। एडिशनल स्टैंडर्ड्स में बी स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसजेनिक वैरायटीज ऑल्सो। दी स्टैंडर्ड्स विल नॉट अप्लाई टू सीड्स प्रोड्यूस बाय फार्मर्स अदर दैन दोज फॉर सेल अंडर अ ब्रांड नेम। अगेन, फार्मर वैरायटीज के ऊपर स्टैंडर्ड्स लागू नहीं होंगे, लेकिन ट्रांसजेनिक के ऊपर और दूसरी सीड्स के ऊपर लागू होंगे। कंपनसेशन टू फार्मर्स इफ अ रजिस्टर्ड वैरायटी ऑफ सीड्स फेल्स टू परफॉर्म टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, द फार्मर कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और वेंडर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सो लायबिलिटी जो है वो प्रोड्यूसर से लेकर के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और वेंडर सब पे ऊपर ला दी गई है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप इनके ऊपर केस कर सकते हैं। सो यहाँ पर फार्मर्स को एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड दिया है। ऑफेंसेज और पेनल्टीज को भी इंक्लूड किया है। पर्सन्स हु कॉन्ट्रवीन एनी प्रोविजन ऑफ द बिल एंड सेल सीड्स विच डू नॉट कन्फर्म टू द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स विल बी पनिश्ड विद फाइन बिटवीन 25,000 एंड 1,00,000 रुपीज। इवन फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन वुड रिजल्ट इनटू पेनल्टीज। कुल मिला के एक नए एक्ट की जरूरत थी, आवश्यकता थी, वही चीज यहाँ पे सरकार ने की है। देखिए, इस चीज की रेलेवेंस एग्रीकल्चर ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज सीड सर्टिफिकेशन वहां पर एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक माना जाता है। और जीएस में भी इसके ऊपर सवाल आ सकता है, बिकॉज बहुत ही पुराना एक्ट था लेकिन अब फाइनली रिप्लेस हो रहा है। सो जीएस 2 में दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक नया बिल पास हो रहा है। इसके साथ जुड़ा हुआ है एक एमसीक्यू देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो रिगार्डिंग सीड डॉर्मेंसी। मैं आपको सीड डॉर्मेंसी के बारे में नहीं समझाऊंगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गूगल दिस, इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसके बारे में आप जानेंगे तो आपको मजा आएगा। सीड डॉर्मेंसी इज अ मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स जर्मिनेशन ऑफ अ सीड इन फेवरेबल कंडीशंस। इट अफेक्ट्स द यील्ड लेवल ऑफ क्रॉप्स। सीड डॉर्मेंसी डजंट ऑलवेज हैव अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इन एग्रीकल्चर। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर को प्लीज बताइए कॉमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए पॉलिसी मैटर्स के बारे में। दो इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स, और पहले वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट, पर्टिकुलरली फॉर GS3। नेशनल काउंटर रोग ड्रोन डेड गाइडलाइंस हैव बीन रिलीज्ड। अगेन गाइडलाइंस हैं, दोनों गाइडलाइंस हैं, हम आपको बता चुके हैं गाइडलाइंस क्यों डिस्कस होती हैं। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड ही आपको आगे बढ़ना है। गाइडलाइंस को देख के घबराना नहीं है, आपको केवल ये समझना है कि गाइडलाइंस के थ्रू हम सीखना क्या चाह रहे हैं, राइट? सबसे पहले नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस। सो रोग ड्रोन वो वाले ड्रोन्स होते हैं जो कि बेसिकली गलत पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। इसमें कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो गाइडलाइंस रिलीज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। प्लीज डू नॉट मेक अ मिस्टेक। बहुत से लोग इसमें गलती कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइंस रिलीज कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गाइडलाइंस रिलीज कर सकती है। ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पे गाइडलाइंस रिलीज की हैं रिगार्डिंग द नेशनल काउंटर रोग ड्रोन्स। द गाइडलाइंस सीक टू हाईलाइट द पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम द अनरेगुलेटेड यूज ऑफ ड्रोन्स एंड द मेजर्स टू मिटिगेट सच थ्रेट्स। ड्रोन्स आर क्लासिफाइड बाय द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। ड्रोन्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है? नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एज पर देयर वेट किया गया है। सो अगर 250 ग्राम से कम है तो नैनो है, अगर 2 kg से कम है तो माइक्रो है, 25 kg से कम है तो स्मॉल है, 150 kg से कम है मीडियम है, और 150 से ज़्यादा है तो लार्ज है। फर्दर, रोग ड्रोन की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? रोग से आई थिंक आप थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हैं, आई डोंट नो द हिंदी ट्रांसलेशन फॉर दिस। रोग बेसिकली वो वाले ड्रोन्स होते हैं जो कि स्पाइंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो माइक्रो ड्रोन्स दे मे बी लिमिटेड टू फोटोग्राफी एंड सर्वेलेंस, बट स्मॉल टू लार्ज ड्रोन्स दे मे बी मिसयूज्ड फॉर कैरिंग एक्सप्लोजिव्स विद सर्वेलेंस कैपेसिटीज। अदर एप्लीकेशंस हैं डिलीवरिंग वेपन्स, एयर स्पेस इंटरफेरेंस, अटैक्स ऑन पीपल और प्रॉपर्टी, कन्वेइंग सिग्नल्स एंड प्रोपेगेंडा मैसेजेस एंड डिलीवरी सिस्टम्स फॉर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इन सब चीज़ों के लिए इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ड्रोन्स के कितने ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी पॉसिबल हैं, और इसीलिए ज़रूरत है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को कि हमें इनकी गाइडलाइंस जो है बाहर देनी चाहिए ताकि हम इसको रेगुलेट कर सकें, इस एक्टिविटी को। टाइप्स ऑफ रोग ड्रोन्स, इसमें काफ़ी सारे टाइप्स भी आते हैं। ड्रोन्स यूज फॉर इलिसिट टारगेटिंग में इंक्लूड ऑटोनॉमस ड्रोन्स, ड्रोन स्वॉर्म्स, स्टेल्थ ड्रोन्स। इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन। ऑटोनॉमस ड्रोन्स वो वाले ड्रोन्स हैं कंट्रोल्ड बाय ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स टू नेविगेट टू अ फिक्स्ड टारगेट। ड्रोन स्वॉर्म्स, सेवरल ड्रोन्स कंट्रोल्ड टुगेदर एज वन यूनिट। एंड स्टेल्थ ड्रोन्स, दीज कैन रिड्यूस देयर रेडार सिग्नेचर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। सो तीनों तरह के ड्रोन्स हैं जो कि रोग ड्रोन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं।
पहले हमने देखा कि ड्रोन्स के साइजेस क्या हैं, फिर हमने देखा कि ड्रोन्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, फिर हमने देखा ड्रोन्स की टाइप्स क्या हैं, और फाइनली जो सजेशन दी गई है कि इनको काउंटर कैसे करना है, काउंटरिंग रोग ड्रोन्स, एन इफेक्टिव सिस्टम टू काउंटर सच ड्रोन्स शुड बी एबल टू डिटेक्ट एंड कंटिन्यूसली ट्रैक ड्रोन्स विद सर्टन पेक्युलियरिटीज सच एज मिनिमल इंफ्रारेड सिग्नेचर्स, लिमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी, लो एक्यूस्टिक इमिशंस। लेकिन मिनिस्ट्री ने साथ में इस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया कि चैलेंजेस टू डिटेक्टिंग सच ड्रोन्स इंक्लूड डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग रेगुलर एंड रोग ड्रोन्स एंड लेस रिएक्शन टाइम। सो सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है कि असल में रेगुलर ड्रोन कौन सा है और रोग ड्रोन कौन सा है, बिकॉज ऐसे चैलेंजेस अभी एग्जिस्ट करते हैं। सो इनको काउंटर करना भी हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। देखिए यूपीएससी GS3 में थोड़े से बाउंसर क्वेश्चंस पूछने लगी है, ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप एस्टीमेट से आंसर नहीं कर सकते। सो अनलेस आपने वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं सुना हुआ, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, जैसे कि साइबर डोम प्रोजेक्ट हमने अभी देखा। सो अगर आपने साइबर डोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा ही नहीं होता तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते। सिमिलरली अगर आपने रोग ड्रोन के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, और मान लीजिए UPSC आपसे पूछ लेती है कि कितने तरह के रोग ड्रोन्स हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, सो यू माइट बी एट अ डिफिकल्ट स्टेज ओवर देयर। इसीलिए हम ऐसी न्यूज़ को भी कवर करते हैं जो कि अदरवाइज शायद कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या कोई स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स बुकलेट में आपको कवर ना होने को मिले। सेकेंड है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप की भी आवश्यकता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व सच एज मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, सिविल एविएशन, स्टीयरिंग कमिटी शुड बी सेटअप टू इवॉल्व अ काउंटर रोग ड्रोन फ्रेमवर्क। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इसी के चलते हमें ज़रूरत है ऑपरेशनल कोऑपरेशन की, और हमें ज़रूरत है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन की। इट विल ऑल्सो रेगुलेट कमर्शियल सिविल ड्रोन एप्लीकेशंस इन द कंट्री, इट विल इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स एंड सिविल एविएशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो इनमें आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तभी जाके हम रोग ड्रोन्स को काउंटर कर पाएंगे। फिर बात करते हैं ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन ऑथोराइज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग रिलीज्ड। The Ministry of Road Transport and Highways released draft guidelines for the setting up, authorization and operation of authorized vehicle scrapping facilities in the country. So, guidelines release की गई हैं कि अगर vehicle scrapping करनी है so क्या क्या आपको steps follow करने हैं। Vehicle scrapping का मतलब होता है dismantling vehicles at the end of their legally mandated life, usually for the reuse of certain components. ये भी एक काफ़ी important concept है, because देखिए environment के point of view से दो चीज़ें हैं। एक तो अगर कोई बहुत ही पुराना व्हीकल सड़क पे चल रहा है सो वो बहुत ज़्यादा पल्यूटिंग होगा। दूसरा, मान लीजिए आप पुराना व्हीकल बहुत टाइम से खड़ा है सो वो एक तरह का वेस्ट है, ठीक है, वो एक तरह का सॉलिड वेस्ट में ही इंक्लूड होगा। सो दोनों पॉइंट्स हैं, पल्यूशन और सॉलिड वेस्ट, दोनों के चलते ये जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप पल्यूशन को कम कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को कम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो पुराने व्हीकल्स होते हैं आम तौर पे रोड एक्सीडेंट्स भी उन्हीं के देखने को मिलते हैं, बिकॉज वो उतने एफिशिएंट नहीं होते। सो अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 द सेंटर मे मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड पार्ट्स विच हैव एक्सीडेड देयर लाइफ। इसको लेके उन्होंने कुछ कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑलरेडी दे दी हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एन ऑथोराइज व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी इंक्लूड पोजेशन ऑफ अ कंसेंट टू एस्टैब्लिश फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द फैसिलिटी वुड बी लोकेटेड। सबसे पहले तो आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरी से एक कंसेंट लेना है बताते हुए कि हम यहाँ पर लोकेट करेंगे। दूसरा, यू नीड टू ऑब्टेन एन NOC फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन बोर्ड विद इन 6 months ऑफ कमेंसिंग ऑपरेशन। ऑब्वियसली बिकॉज जब आप डिसमेंटलिंग ऑफ एनीथिंग इज सच एन एक्टिविटी जिसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, सो नॉइस पोल्यूशन से लेकर एयर पोल्यूशन तक होता है, सो इसके लिए आपको NOC लेना ज़रूरी है स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से। ऑथराइजेशन एंड इंस्पेक्शंस, द ऑथराइजेशन ग्रांटेड टू द फैसिलिटी विल बी वैलिड फॉर 10 years। अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है सो वो 10 साल तक वैलिड होगा एंड इट कैन बी रिन्यूड फॉर अनदर 10 years। रेगुलर रिव्यू ऑडिटिंग ऑफ द फैसिलिटी वुड बी डन। क्राइटेरिया फॉर व्हीकल स्क्रैपिंग, दोज दैट हैव नॉट रिन्यूड देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर उन्होंने RC को रिन्यू नहीं करवाया सो व्हीकल स्क्रैपिंग हो सकती है। दोज दैट डो नॉट हैव अ फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर द 1988 एक्ट। फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि जो व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट है अगर वो नहीं है सो उसकी स्क्रैपिंग हो सकती है। द व्हीकल्स विल बी स्क्रैप्ड एज पर द स्पेसिफिक गाइडलाइंस आफ्टर द प्रोसीजर द व्हीकल स्टेटस विल बी अपडेटेड इन द नेशनल रजिस्टर ऑफ व्हीकल्स एंड द वाहन डेटाबेस। वाहन डेटाबेस भी एक इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, कपल ऑफ मंथ्स अगो इसको रिलीज किया गया। सो ये बेसिकली सड़क पर से उन व्हीकल्स को हटाने के लिए है, व्हीकल
स्क्रैपिंग एजेंसीज को ऑथराइजेशन दी गई है जो कि इलीगल हैं, जो कि ज़्यादा पोल्यूटिंग है और जो कि चल नहीं रहे. सो दिस विल ऑल्सो नॉट ओनली रिड्यूस द एक्सीडेंट्स, इट विल ऑल्सो रिड्यूस पोल्यूशन ऑन अवर ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो ये सॉलिड वेस्ट को भी कम करेंगे, राइट. और इनफैक्ट जो स्क्रैप मेटल होगा उसको भी हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं. सो वो भी एक एडेड एप्लीकेशन है. फाइनली एक और एमसीक्यू की बात कर लेते हैं. आखिरी एमसीक्यू है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग वाहन डेटाबेस. इट कैन बी यूटिलाइज बाई इंडियन फर्म्स. एक्सेसिंग डेटा ऑफ वाहन रिक्वायर्स पेइंग नॉमिनल फीस. इट कंसिस्ट ऑफ व्हीकुलर डेटा लाइक पावर डीलर, चासी नंबर एंड फ्यूल टाइप. ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आंसर को प्लीज बताइए कॉमेंट सेक्शन में. फाइनली एक छोटी सी न्यूज़ बचती है जिसके बारे में बात कर लेते हैं. कम्युनिकेशन से जुड़े हुए पॉलिसी मैटर है ये. कैबिनेट हैज़ अप्रूव द रिवाइवल प्लान फॉर BSNL एंड MTNL. बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि BSNL इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, राइट. और रिसेंटली BSNL ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का भी अनाउंसमेंट कर दिया है. बिकॉज BSNL का सबसे ज़्यादा खर्चा जो हो रहा है वो सैलरीज देने में हो रहा है. सो BSNL और MTNL को मर्ज करने के लिए कैबिनेट ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है ताकि हम हमारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो कि कम्युनिकेशन में है उसको रिवाइव कर सकें. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ रिवाइवल प्लान फॉर BSNL एंड MTNL. दिस प्लान सीक्स टू एड्रेस द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऑफ दिस PSUs एंड एनेबल देम टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड रिलायबल सर्विसेज. की फीचर्स ऑफ द रिवाइवल प्लान आर एज फॉलोज. द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ BSNL एंड MTNL. द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फंड द कॉस्ट ऑफ 4G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट टू दिस PSUs. सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड सोवरन गारंटी टू बोथ PSUs फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफ ₹15,000 crore ताकि इनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके. एंड टू रिड्यूस द सैलरी बर्डन ऑफ बोथ PSUs दे विल ऑफर अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम टू देयर एम्प्लॉयज. और ये ऑलरेडी BSNL ने अनाउंस कर दिया है, राइट. सो ये कुछ फीचर्स हैं इस रिवाइवल प्लान के. जो भी इसमें आगे डेवलपमेंट्स होगी हम उसके बारे में बात करेंगे इन दी सब्सिक्वेंट मंथ्स, ठीक है. इसके साथ हम PRS MPR अक्टूबर महीने को यहाँ पे समाप्त करते हैं. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें बताइए. एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ फॉर मोर कंटेंट. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट अस टू कम आउट विद एनी अदर वीडियो, कोई और वीडियो या कोई और इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए इन द कॉमेंट सेक्शन. हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे.